माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 9:30 और सारा काम कंप्लीट हो चुका है घर का। और सब सब अपने अपने कामों में जुट गए हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और देख सकते हैं रियान साइकिल चला रहा है। और मैं अभी फ़िलहाल पूजा करके अभी जस्ट आई हूँ। अब मैं थोड़ी सी चाय लूँगी, उसके बाद सारा काम में फिर से लग जाऊँगी। हाँ, क्या साइकिल गिर गया है रियांस का, और बाहर बहुत ही ठंड है जिसके कारण मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। और बच्चे को लेकर, क्योंकि बाहर इतना ठंड है, हवा बहुत ही चल रहा है। बड़े को तो नुकसान नहीं करेंगे, पर छोटों बच्चों को बहुत नुकसान करेगा हवा। इसीलिए रियांस को मैं घर में ही खेलने के लिए बोली हूँ, बाहर नहीं जाना। बाहर जा, देखिए अपना साइकिल ठीक कर रहा है। साइकिल को ठीक कर रहा और उठा रहा और गिरा रहा, यही काम है उसका। और दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर देखिए, और वीडियो को और भी पसंद कीजिए, और भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं वीडियो को और इनक्रेज के साथ बना सकूं। आप लोग के एक वीडियो से मुझे बहुत प्रोत्साहित मिलता है। हाँ बेटा, वीडियो बनाने का आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, यही बोलेंगे। और भी मैं बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियो, आज पहला दिन मॉर्निंग का, मैंने जैसे मैं रोज़ बोलती हूँ कि मॉर्निंग का, सवेरे का खुशी भरा वीडियो डालूंगी, आज सुबह से फिर से मैं मॉर्निंग का ब्लॉग डालना शुरू करूँगी। आप लोग देखिएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए बाय दोस्तों। मैं आज पालक का साग बनाने जा रही हूँ, देख सकते हैं। बैंगन डालकर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बैंगन डालकर बहुत अच्छा लगता है। 2 आंटी साग में एक बड़ा सा बैंगन लीजिएगा। और मैं आज गोभी की सब्जी बनाऊंगी। उस दिन गोभी की सब्जी, सिर्फ गोभी की सब्जी बनाई थी, पर आज मैं आलू डालकर गोभी की सब्जी बनाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कैसे बनता है आलू की सब्जी। नहीं, आप नहीं आया है वो। अभी फिलहाल मैं साग को काट ले रही हूँ, सोची कि आप लोग से बात भी कर लूँगी और काम भी हो जाए। दाल चावल बन गया है और सिर्फ सब्जी बना रखी है। साग को आप जितना बारीक काटेंगे उतना ही अच्छा साग बनता है, मेरी नानी बोलती थी। मेरी नानी बोलती है कि साग को जितना अच्छा से काटा जाए, बारीक बारीक साग, उतना ही अच्छा बनता है। पहले के लोग तो, हम लोग तो चक्कू से काटते हैं, पहले के लोग तो बसून से काटते थे। बसून मतलब वो जो होता है ना, बैठी भी उसको बोला जाता है, उसी से। और आप लोग को दिखाएंगे कि आज हम पालक का साग कैसे बना रहे हैं। बहुत जन अलग अलग तरीके से बनाते हैं साग को, कोई बॉइल्ड करके बनाते हैं, कोई उसको उसमें टमाटर वगैरह डाल के बनाते हैं। हम बैंगन डाल के बनाते हैं पालक का साग, उसमें कोई टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालते। लहसुन और जीरा और जो सूखा मिर्च होता है लाल वाला, उसको डालकर उसका छौंका लगाकर उसमें पालक का साग और बैंगन को डालकर, और उसमें थोड़ी देर बाद उसको, उसमें नमक डाल दीजिएगा, वो अच्छी तरह से गल जाएगा। उसके बाद हल्दी, आपको अगर मन करे तो गुड़ा मिर्च डाल सकते हैं। ऐसे साग में गुड़ा मिर्च डलता नहीं है, पर आपको अगर मन करे कि हाँ गुड़ा मिर्च भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। और मेरी जेठानी गई है बैगन लाने, बैगन था नहीं फ्रिज में, तो हम सोचे कि ले आते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पालक का साग कैसे बनाती हूँ। बैंगन आ चुका है, अब इसको छोटे छोटे साइज में काटूंगा। साग धो लिया, देखिए इसमें बैंगन छोटे छोटे काट लिया है, छोटे छोटे साइज में बैंगन को काट के इसको अच्छे से धो लिया है मैंने। धो के झूरी में रख लिया है। अब मैं तेल ले ली, तेल को अच्छे से गरम कर लिया मैंने। अब इसमें जीरा डालूंगी,
दो सूखी मिर्च, कुचा हुआ लहसुन, देख सकते हैं कितनी तरह डाली है, इधर थोड़ा लहसुन जलना नहीं चाहिए तो फ्लेवर खराब हो जाएगा। देखिए अच्छे से छौंक तैयार हो चुका है, साग को डाल दीजिए। साग डाल दिया उन्होंने, थोड़ा सा जैसे ही बनने लगे क्योंकि साग डालते ही पानी छोड़ देता और उसके बाद उसमें नमक डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए, कहाँ लग गया, अब इसमें हल्दी डाल देंगे। ये क्या बन रहा है, साग बन रहा है, हल्दी डाल के, हल्दी डाल दिए हैं, देखिए देखो चार में से तेल छोड़ दिया है, चार में से तेल, चार से तेल छोड़ दिया है, अच्छे से भुजा गई है साथ, इसमें मैंने गोभी के जो डंठल होती है ना वो कोची जो होता है मतलब जो हरा हरा होता है उसी से को लंबे लंबे काट के मैंने इसमें गोभी का पत्ता भी डाला है और उसका डंठा भी डाला है। देखिए देख सकते हैं, देखिए उसका डंठा बहुत अच्छा लगता है, ऐसे आप साग बना कर खाइए बहुत टेस्टी होता है। और साग में अच्छे से तेल पड़ने से साग का स्वाद बढ़ जाता है। इसमें आप कुछ नहीं डालना होगा, सिर्फ हल्दी और नमक बस और कुछ नहीं, और छौंका में जीरा, सूखा मिर्चा और लहसुन, लहसुन को छूर लीजिएगा और उसके बाद उसमें सरसों तेल में, सरसों तेल जब गर्म हो गया तो उसमें डाल दीजिएगा और उसके बाद आप खाइए खाली चावल इससे आप खा लेंगे, आपको दाल वाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें। और बैंगन जरूर डाल के ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आपको मेरा अगर पसंद आए तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें हम साग कैसे बनाए हैं, पालक का साग, पालक का साग। ये अभी भी भुजाएगा, इधर इसकी तैयारी कर रहे हैं, इधर नया आलू ले लिया है, गोभी ले ली हूँ, मार्केट में नया आलू आ चुका है तो आलू ले ली हूँ मैं, आज ज़्यादा सब्जी नहीं बनाऊंगी। इधर छेमी है, टमाटर, सबकी तैयारी करके रखी हूँ और अब मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी कैसे बना रही हूँ मैं। ओके दोस्तों, फ़िलहाल मैं
में से तेल हो चुका है। बैगन को अच्छे से मैश कर दीजिएगा उसमें। साग हो चुका है, देखिए आप देख सकते हैं। और मैं दूसरी वीडियो में, दूसरे ब्लॉग में दिखाती हूँ कि मैं गोभी की सब्जी कैसे बना रही हूँ। साग मेरा हो चुका है और मैं इसको उतार लेती हूँ। साग मेरा बन गया है कंप्लीट होकर, देखिए कैसा लग रहा है साग। आप लोग ज़रूर बनाइएगा ऐसा साग जैसे जैसे मैंने कहा है इस वीडियो में, देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा, खाकर भी देखिएगा और अच्छा लगे तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा प्लीज़। हेलो दोस्तों, मैं गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, नए आलू की गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है और नया आलू आज ही आना शुरू हो चुका है। तो आज मैं पहली बार अपने घर में नए आलू लाई हूँ तो उससे गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। मैं गोभी की सब्ज़ी पहले इस पहले वाले वीडियो में बना चुकी हूँ पर वो उसमें आलू नहीं था, पर मैं आज नए आलू देके गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। देखिए आप लोग क्या क्या डालती हूँ उसमें। इसमें एक टमाटर है, गोटा जीरा है, गूढ़ा मिर्च है, हल्दी है, धनिया है और गरम मसाला है। इसमें कोई प्याज लहसुन का ऐड मैंने नहीं किया है। और ये इसमें डालने के लिए छेमी है और छौंका में लगाने के लिए 5 फ़ोरन है, देख सकते हैं आप। और ये हींग है क्योंकि हींग डालने से गोभी में गैस नहीं होता है, ठंड के टाइम में गोभी में बहुत ही गैस होता है, तो आप हींग का छौंका लगा सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं गोभी को कैसे करके लाल करके भूनती हूँ, उसके बाद उसमें आलू डालकर अच्छे से भून कर उसके बाद मैं मसाला डालूँगी। सब मैं आपको इस दूसरे वाले वीडियो में दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, अब देखिए मैं इस छौंके में क्या क्या डालती हूँ। पहले गोभी में, गोभी को डालने के लिए मैं क्या क्या डालती हूँ। पहले मैं 5 फ़ोरन को डालूँगी, उसके बाद हींग को भी डाल दिया मैंने। उस 5 फ़ोरन को थोड़ा सा लाल होने दीजिए छौंका को, उसके बाद मैं दिखाती हूँ मैं क्या डालती हूँ। अब इसमें आप गोभी को ऐड कर दीजिए, देखिए थोड़ा छौंका लाल लाल सा हो रहा है। तुरंत मत डालिएगा, छौंका डालते ही तुरंत मत डालिएगा, थोड़ा सा लाल होने दीजिए छौंका को, उसके बाद गोभी को डाल दीजिए। इसको चलाते रहिए, देखिए तुम जलो ना। वीडियो बनाकर डालो लुट कर दीजा, बुलट पा दीजा, बुलट कर दीजा, ले चले घुमावे बुलट कर दीजा, बुलट कर दीजा, बुलट कर दीजा, ले चले घुमावे बुलट कर दीजा। देखिए अब आलू डाल दीजिए, खाना भी बनाती हूँ, खाना भी करती हूँ, खाना और स्वादिष्ट होता है जानते हैं आप लोग, क्योंकि मन खुश रहता है खाना बनाते समय। आलू का डाल दिया मैंने, वो भी धो चुकी थी।
तो मैं भूनने देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मसाला को कैसे उसमें ऐड करूँ। ये अभी फिलहाल भूजेगा, उसको मैं ढक देती हूँ। ढक्कन को हटा दिया है मैंने और इसमें इसे थोड़ा हल्का हल्का भूज सा गया है, और इसमें मैं नमक डालूँगी। क्योंकि इसमें पानी डलेगा तो थोड़ा सा नमक तेज रखना पड़ेगा, नहीं तो आलू गलेगा नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा और लाल ले लीजिए, देखिए मेरे से भी अच्छा खाना मेरी मम्मी बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी मम्मी, उन्हीं से सीखे हैं। बस जो शौक है उसको मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ, आप लोग को हो सकता है पसंद ना हो मेरा वीडियो। मैं जो कर रही हूँ, जो भी मैं ज़िंदगी में रोज़ करती हूँ, रोज़ रूटीन के हिसाब से खाना बनाना, बच्चों को सब काम करना, वही चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। हो सकता है आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए, और मैं कुछ नहीं बोल सकती कि क्या है। मुझे बस इतना पता है कि मैं आप लोग से बात करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि इंसान सारा दिन काम करने के बाद उसको लगता है कि नहीं किसी से वो बात करे बैठ कर, तो उसके पास टाइम नहीं रहता है किसी से बात करे बैठ कर, क्योंकि घर में बहुत बड़ा फैमिली होने की वजह से घर में कुछ ना कुछ काम रहता ही है, बच्चे हैं, 24 घंटा उसी में इंसान जुटा हुआ है, उसके पास 5 मिनट का टाइम नहीं है कि किसी से वो बात कर सके। इस जब मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ कोई भी चीज़ का, तो मैं इसी में बात कर लेती हूँ, तो मेरा टाइम सारा मेरे को लगता है मैं सबसे बात कर लूँ, इसमें बात भी करती हूँ आप लोग से, और मैं दिखा भी देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। अब इसमें आप मसाला ऐड कर दीजिए, मैंने मसाला पीसा था तो आप अभी नया आलू का सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है ठंड के समय, फिर इसका सीज़न चला जाएगा तो फिर उसमें मैं चीनी का भी ऐड कर दी, मसाला देते ही थोड़ी देर के बाद मटर भी डाल दीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से भूजिए, छोड़ दीजिए, देखिए अच्छे से भूज रहा है। तेल छोड़ देता है ना तो समझ लीजिए कि मसाला अच्छे से भूज रहा है, पानी पानी अगर मसाला में रहे तो वो ठीक नहीं लगता है, मसाला भूजा भी नहीं रहता, वो गंद भी अच्छा गंद देता है, कच्चा कच्चा मसाला गंद देता है। मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, और जितना है जितना मुझे समझ है, जितना मैंने मम्मी से सीखा है और मम्मी बताती हैं वैसे ही बनाती हूँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरे को मेरी मम्मी के हाथ का भी खाना बहुत पसंद है, जब भी जाती हूँ मैं बोलती हूँ मम्मी वो ऐसे मम्मी नहीं खाना बनाती, क्योंकि मम्मी का भी फिलहाल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहता तो भाभी खाना बनाती है, मैं जाती हूँ तो बोलती नहीं मम्मी आज तुम ही खाना बनाती, क्योंकि मम्मी के हाथ का खाना मुझे बहुत ही पसंद है, भाभी भी मेरी अच्छी खाना बनाती है, सर मेरा भैया भी बहुत अच्छा खाना बनाता है। मैं आप लोग से बात करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई दिखता नहीं पर मैं जो बोल रही हूँ वो हजारों लोग मेरे बात को सुन रहे हैं, और लगता है कि मेरा टाइम लग जाता है तो समझ नहीं आता,
आपसे बात करते थे। जीवन में मेरे वीडियो देखते हैं बहुत खुशी होता है मुझे जी। हाँ, तब आप लोग लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बढ़ाइए, तभी तो आपको हम और वीडियो दिखा सकते हैं। पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये सब्जी भुजा हुई है। ज़्यादा पानी मत डालिए, इसमें पानी मिला देती हूँ। देखिए पानी मिला चुकी हूँ मैं, अब इसको मीडियम करके थोड़ा स्लो करके गैस को मैं इसको ढक दूँगी ताकि आलू अच्छे से पक सके और गोभी भी पक सके, इसमें मसाला गोभी में जा सके, नमक जा सके। अच्छी कुक तो नहीं बोल सकती, बहुत अच्छी कुक नहीं बोल सकती, जितना आता है आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया। ये दोस्तों मेरा गोभी आलू की सब्ज़ी बन चुका है और इस तरह लग रहा है। आप लोग इस तरह बना कर खा सकते हैं, बहुत टेस्ट लगेगा। इसमें आधी लहसुन का प्रयोग नहीं हुआ है, प्याज का भी प्रयोग नहीं हुआ, एकदम भेज है प्योर, आप देख सकते हैं। ऐसे बना कर खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अच्छे हैं, अच्छे रहिए, खुश रहिए। और मैं आज बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ, आप लोग देखिएगा, खाने पर मैं वीडियो बनाई हूँ। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर से ज़रूर मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी जाके आप लोग को मेरा वीडियो देख सके, और लाइक करना ना भूलिएगा। फिलहाल मैं बहुत थक चुकी हूँ, काम वाम सारा हो चुका है, बस ये सोने गए हैं। और मैं सोचती हूँ कि यहीं इन वीडियो डालती हूँ और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर कल नई सुबह के साथ, नई खुशी के साथ मैं आपके साथ फिर से लौटूंगी। फिलहाल के लिए बाय।